जामरियान आयल तो मेरे तो थोड़ा भाषा मिक्स हो जाम रहे हो तुमने आया मैं थोड़ा आदू पिछवाड़ा कैसे हैं आप सब आशा करती हैं आप सब ठीक होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। इसमें मैं तैयार हो गई हूँ मैं जा रही हूँ मार्केट और आज बहुत दिन के बाद धूप आई है और तो थोड़ा बहुत सामान लाना था मुझे और ये नाक की मेरी जो सोने वाली फुल्ली है वो गिर गई थी सॉरी गिरी क्या थी टूट गया था उसका कील तो मैं सोच रही हूँ उसको भी कील भी लेके आऊँगी और जाती हूँ थोड़ा कुछ। हिंदुओं का पवित्र त्यौहार आने वाला है मकर संक्रांति तो थोड़ा सामान मेरे को उसके लिए भी लाना है और हमारे इधर पे मेला लग गया है कल से 11 तारीख 1:15 हैं 1:15 हो गया है अब मैं जा रही हूँ तो ज़्यादा दूर नहीं है बस 5 मिनट का रास्ता है मैं अकेले चले जा मैं निकल गई हूँ घर से ये हूँ मैं अपनी गली में उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं गई यहाँ पे लगी है सेल गर्म कपड़ों की तो मैं एक दिन पहले मार्केट गई थी तो मैंने यहाँ पे देखा उस समय मुझे टाइम नहीं था तो मैंने सोचा देख लेती हूँ कुछ मेरे लायक भी होगा तो यहाँ पे छोटे बड़े सभी के हर तरीके के यहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं गर्म कपड़े लोअर पैजामी टी शर्ट ट्रैक सूट जो भी लेना चाहते हैं और अच्छे रेट में मिल रहे हैं। मैंने कहा चलो एक बार मैं भी जाती हूँ देखती हूँ किस तरीके के हैं तो यहाँ पे जिसका रेट 1000 रुपये रेट है तो 600 में मिल रहा था तो मैंने उन भैया को पूछा कि इनका क्या रेट है और क्या है तो उन्होंने बोला था कि मार्केट में जो रेट है उससे बहुत कम है ये और ठंडियों का सीज़न 2-3 महीने का ही होता है तो उन्होंने बोला कि जितना बिक जाए उतना अच्छा है और यहाँ पे 200-200 के नीचे जो लोअर पहनते हैं वो हैं और छोटे बेबी और बड़े बच्चों के छोटे बच्चों के और बड़े लोगों के सभी के यहाँ पे हर तरीके के कपड़े हैं। अगर आप लोग आना चाहते हैं बस सिर्फ यहाँ पे गर्म कपड़े ही मिल रहे हैं गर्म कपड़ों की ही सेल है यहाँ पे। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो ये सितारगंज जाते समय खटीमा में सितारगंज जाते समय बाएं हाथ के साइड को ये सेल लगी हुई है और यहाँ पे इसमें नाम भी होगा ऊपर मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत से लोग यहाँ पे मैंने हर किसी का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हर किसी का वीडियो बनाने के लिए पूछना होता है इसलिए मैंने नहीं बनाया तो बस भैया से पूछ लिया था उन्होंने बोला बना लो नहीं हाँ सही लग रहा है भैया इसका रेट क्या है किसका? जो ये पहना है इन्होंने इसका प्राइस मैम 600 का है 600 वैसे इसका रेट ज़्यादा है नहीं वैसे तो मार्केट में आप लोगे 1000-1500 अच्छा हाँ इस प्राइस में मिलेगा अच्छा लग रहा है 1200 से कम का तो मिलेगा नहीं मैम मार्केट में अब ये है कि सेल पे प्राइस है ये देखो यहाँ पे मैं देख भी रही हूँ तो कोई भी चीज़ हम अगर करते हैं तो पहले पूछना सही रहता है क्योंकि अपनी मर्ज़ी से नहीं करना चाहिए तो उन भैया ने बोला कोई बात नहीं आप बना लो उनको मैंने बताया कि मैं इसमें वीडियो बनाकर डालती हूँ और अब मैं दोबारा जाऊँगी तो ज़रूर यहाँ से कुछ लेकर ये 1800 रुपये की प्राइस में 1800 1800 की प्राइस में आएंगी जो वाली साइड में ये भी फाइबर की मैम वो भी फाइबर की आएंगी वो 2000 की प्राइस में ये गर्म होंगी ना 2000 एक नंबर गर्म रहती है सबसे ज़्यादा ब्लैंकेट से ये समझो डबल गर्म रहेगी आप और हल्के भी रहते हैं हल्के भी लाइट वेट होता मज़ा आता है इसको ओढ़ने के बाद ये मार्केट में आपको 2500 रुपये से कम की नहीं मिलेगी अभी हम लोगों ने सेल लगा रखी है हाँ। सितारगंज रोड पे ही जस्ट हिमाचल के नाम से हाँ हाँ। बस ये यहीं पे ही मतलब सही प्राइस में आपको माल मिलेगा मैं बताऊँ अगर जैसे कोई कमी पैसी हो गई घर जाके दोबारा आ सकते हैं हाँ, बदलने के लिए अगर कोई मतलब कोई हाँ। कमी है आप एक्सचेंज कर सकते हैं नया पीस जैसे कोई हाँ कलर वलर पसंद नहीं आया ना किसी को बाकी अपने जो खटीमा में रहते हैं अगर उनको लेना है तो आ सकते हैं एक बार देखने के लिए और ये है सितारगंज जाते समय बाएं हाथ के साइड को जहाँ पे पुराना सरकारी हॉस्पिटल था पहले और अब वहाँ पे आर्मी कैंटीन है उसी के सामने पे ये सेल लगी हुई है एक बार अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं खटीमा वाले आज पूरे कपड़े खिलाए हैं मैंने यहाँ धूप में और यहाँ पे आज बहुत दिन के बाद धूप आई है और बहुत अच्छी और कड़ाके की धूप आई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुबह का काम ख़त्म करके मैं मार्केट गई वहाँ से आने के बाद मैंने जो कपड़े सूखे थे वो उठा दिए हैं और अभी इस समय 2 या 2:30 बज गया होगा या 3 भी बज गया होगा मुझे अच्छे से टाइम मैंने देखा नहीं है तो मैं अभी आई हूँ इस स्वेटर के मेरे बटन टूट रखे हैं तो वो लगाने हैं और उसके बाद मैंने ये लाई इतना खास मीठा नहीं हो रहा है बहुत दिन से पड़े हैं ये मेरे बेटे लाए थे रखे हुए थे
ठंडी की वजह से इनको देखकर और ठंडा लग जा रहा है। छत में पतंग उड़ने लग गई हैं हमारे इधर पे, और मैं यहीं पर ही बैठ के वीडियो बनाती हूँ क्योंकि खड़े होकर मैं नहीं बनाती हूँ, बैठ कर ही सही भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ पे मेला लगा है, अभी मकर संक्रांति आने वाली है, आ गई है मतलब परसों को, तो हमारे वहाँ कल से 11 तारीख से यहाँ पे मेला शुरू हो गया है। मैं तो बहुत कम जाती हूँ, देखूँगी अगर मौसम ठीक रहेगा तो मैं जाऊँगी, नहीं तो ऐसा ही है, मैं कम ही जाती हूँ मेले वेले में। और आंटी आ मेल देखने जाना छा? हाँ जाना छा, बहुत बहुत आग रो वहाँ हिटो हमला आनु पे हो। और की हरो वहाँ मेल में झूला छन और प्रोग्राम छन, स्कूल आ रंग के नाम का बहुत बढ़िया हरी होए को मेले उन पे। हाँ आज हम आज हम आरो ने आ बहुत बड़ी घाम आ रही, घाम आरो ने जो खटीमा वाल छा ना, अगर तुम के मेल देखने छू जब हमारे वहाँ आया यहाँ हिलने हमारे बहुत बड़ी बहुत बड़ी मेल लाग रो। और यहाँ आंटी जामरियान आयल तो मेरे तो थोड़ा भाषा मिक्स हो जामरे हो तुमने आया, मैं थोड़ा आदू पिथौड़ा गड़क छू, आदू अल्मड़ा छू एलिजी। और आंटी भल पिथौड़ा गड़क बोलनी ना आंटी, ये बहुत बड़ी बोलनी मेरे बगल छो न। और वो आंटी चल छू आंटी बहुत रहा। और आंटी हो आयो आंटी बहुत भल छू, और वो आंटी चल छो बहुत भल भल छू। मैं नहीं साला हैप्पी न्यू ईयर लेने को मेल को आज तब जाने को याद है ना रूम चलो बाय करो सबों को बाय बाय कर दो आंटी बाय बाय आया हाँ मैं लाग रहा हूँ यहाँ आया रे आया। चलो लोग देखना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अपना साथ और सहयोग मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना। और मुझे गर्मी बहुत अच्छी लगती है, ठंडी में मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है।